हेलो एवरीवन, आज टेमियर बजीज का दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने अपने प्यारे बजीज को कप में खाना खिलाया था और आज हम उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बजीज को बचपन से पालते हो तो वह आपके हाथ पे आसानी से बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप उनको खरीद के लाते हैं तो उनको टेम करने में थोड़ा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने हाथ में दाना लेके पहुँच जाता हूँ उनको खिलाने, लेकिन वो मुझे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि छोटे से स्टार्ट करूँ। फिर मैं दाना का डब्बा का कवर लेके आ जाता हूँ कि इसी से ही खाना खिला दूँ। वो अगर थोड़ा सा टेस्ट करेंगे खाना, उसके बाद शायद मेरे हाथ से खा लें। तो जेक आके खाने लगता है। बाकी सबको भी मन होता है, वो दिखता है, लेकिन वो हिचकिचाते हैं आने के लिए। तो ओलिविया का भी मन था, वो ऐसे देख ही रही थी दाना को, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रहा था आके खाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो जेक ने खाना खा लिया, जेक को ही ट्राई करते हैं हाथ से खाना खिलाने का। तो फिर मैं अपना हाथ लेके पहुँच जाता हूँ जेक के पास, लेकिन जेक वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर अपना जेक भैया बोले, जो होता है होने दो, मैं तो खाऊंगा। तो फिर जेक आके खाने लगा, और इतना अच्छा लगता है ना जब चिड़िया आपके हाथ से दाना खाते हैं, क्या ही बताऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे जूली इधर उधर हो रही है, इधर ओली और ओगी भी इधर उधर हो रहे हैं। सबको खाने खाने का मन हो रहा है, लेकिन मेरा हाथ देखे वो लोग डर रहे हैं। तो जैसे कि अभी राइट साइड सबसे सेफ है खाने के लिए, तो इसलिए सबको राइट साइड ही खाना है। लेफ्ट से जाएंगे तो हाथ पे बैठना पड़ेगा, उससे उनको ज़्यादा रिस्की है, मतलब वो लोग घबराते हैं उससे। तो फिलहाल जेक तो बढ़िया से खाना खा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना अपना ओली को भी थोड़ा खिलाया जाए। तो मैं स्मार्टनेस दिखा के हाथ पीछे ले आया, उसके बाद सब कोई उड़ गए इधर उधर। तो इतना ही हो पाया मेरे से आज के लिए। उसके बाद मैं जितना भी हाथ वहाँ पर रखा, कोई भी आया नहीं। फिर भी मैं पेशेंस रख के अपना हाथ को वहीं पे रखे रखा। ओली थोड़ा सा आई पास पे, फिर भी उसको डर लगा तो फिर चली गई। तो वैसे ही करेंगे बजीज, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, वैसे ही हाथ रखे रखना है। कभी ना कभी तो आएगी, आज कीजिए, कल कीजिए, दो तीन दिन कीजिए, उसके बाद उनको भी मतलब एक्वेंटेड हो जाएगा, वो लोग भी आएंगे, खाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। पर मैंने सबको तो हाथ से खाना नहीं खिला पाया, लेकिन इनके साथ खेल के मज़ा आया ज़रूर। ओली बढ़िया से आके मेरे हाथ को थोड़ा काट लेती थी, फिर पीछे आके बैठ जाती थी। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैं इनका जो प्लेट है इसको निकाल के बाहर रख देता हूँ और केज का दरवाज़ा खोल देता हूँ। सबसे पहले आता है जो सबसे ज़्यादा डरता है ओगी, वो सीधा कूदता है और कूद के आके अपने प्लेट में बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। ओगी के पीछे पीछे ओली भी आ जाती है, लेकिन जेक और जूलिया भी बैठे हुए थे। तो जब ओली भी वहाँ पे कूदने लगती है तो उस टाइम पे जेक भी आ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन जूली फिलहाल अभी भी ऊपर है और वो आती ही नहीं है। ओगी को मैंने पहले भी बाहर निकाला था, लेकिन ओली कभी भी बाहर आई नहीं थी। तो आज ये पहली बार है जब ओली भी आप बाहर आई है अपने केज के। जेक भी कभी बाहर नहीं आया था, जूली पहले एक बार बाहर आई थी। तो जेक आज बाहर आया है पहली बार और अभी खाना खाने लगा है। फिर भी उसका मन जूली के पास है, तो खाना खाते हैं वो थोड़ी देर के लिए, फिर वो निकल जाते हैं अपने जूली के पास। तो जैक अपना पिंजरे के अंदर चला जाता है, लेकिन ओगी और ओली अभी भी बाहर थे। तो ओगी जाके बैठ जाते हैं अपने पिंजरे के ऊपर और ओली अपना उड़ रही थी इधर से उधर। तो अगर आप उनको इतने बड़े एरिया पे छोड़ोगे तो वो जाके टकरा जाते हैं, लेकिन अपना ओली बहुत ही अच्छा उड़ रही थी। जैक तिरछी नज़र दे रहा था ओगी को, क्योंकि वो ऐसे ऊपर बैठा था। फिर मैं ओली के पास आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसको हाथ में बैठा के केज के अंदर छोड़ दूँ, लेकिन वो आती नहीं है। तो मैं हाथ में अपना एक ग्लव्स टाइप का पहन लेता हूँ, उसके ऊपर इसको बिठाता हूँ, तो वो आ जाती है। फिर मैंने उसको पकड़ लिया हाथ पे, फिर इसको अभी अंदर लेके जा रहा था केज के, लेकिन वो गई नहीं।
गई नहीं, फिर अपना ओगी के साथ बाहर ही घूम रही थी। फिर मैंने उनका खाने का प्लेट लाके रख दिया केज के ऊपर। वो लोग मस्त खाने लगे। वही खाने के प्लेट पे ओली बैठी हुई थी, तो मैंने उसको लेके केज के अंदर छोड़ दिया। लेकिन ओगी आ ही नहीं रहा था हाथ पे, उसको पकड़ने जाओ तो ऐसे कूद जा रहा था। तो फिर मैं एक तरकीब लगाया कि डंडा लेके आ गया, वही डंडे पे बैठ जाए और मैं जाके उसको छोड़ दूँ। लेकिन वो बैठता ही नहीं था, जितना बार भी कोशिश करो जा ही नहीं रहा था केज के अंदर। फिर ऐसे ही उड़ रहा था, फिर लास्ट पे बहुत ही मुश्किल से आके बैठ गया डंडे के ऊपर। फिर मैंने उसको लेके छोड़ दिया केज के अंदर। फिर मेरे को मिला राहत। उसके बाद मैं उनका केज बंद कर दिया। अभी मैं इनको 2-3 दिन बाद ही खोलूँगा और बाहर से उड़ने के लिए छोड़ूंगा। उनको वो भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए कॉलोनी बनाऊँ, तो वो कॉलोनी पे उनको ऐसे उड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये घर पे कॉलोनी बनाने का सोच रहा हूँ मैं। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके भी दोस्त बजीज पालते तो उनके साथ शेयर कीजिए।